वेलकम गाइस, आईटी हेल्पर वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी m30s। अगर इसके अंदर अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे, बहुत इजी है। तो सेम तरह सेम फॉलो आप स्टेप करें, जो आपका जो है आप इजीली जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। और मैं इसका आपको कैमरा भी चेक करके दिखा दूँगा कि आप कैमरा इसका क्वालिटी कैसी है। तो पहले तो हम इसका कैमरा ही चेक कर लेते हैं और फिर इसके बाद जो है मैं आपको क्या बोलते हैं वो चेक करा दूँगा। ये देखिए कैमरा सैमसंग के अधिकतर जो है बढ़िया ही होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए तो इसकी क्वालिटी तो ठीक है, इसी कोई बात नहीं, रेजोल्यूशन सही दे रहा है। मैं फ्रंट का भी चेक कराता हूँ आपको। ये देखिए फ्रंट का भी ओके ही है, तो सेल्फी कैमरा है ये फ्रंट वाला। तो गाइस ये देखें, आप इजीली जो है इसके कैमरा चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो है कि कॉन्फ़िगरेशन कितनी है। तो हम चलते हैं इसके फ़ोन के सेटिंग में, वहाँ जाके जो है हम चेक करेंगे। ये आ गए अबाउट में, चलते हैं अबाउट में। यहाँ पे तो हमें m30s मॉडल नंबर दे रखा है और ये क्या बोलते हैं इधर ये मॉडल नंबर ही लिखा हुआ है। और स्टेटस इंफॉर्मेशन में देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। स्टेटस इंफॉर्मेशन में यहाँ पे हमें IMEI नंबर, ब्लूटूथ, वाईफाई, मैक एड्रेस, ये रहा वहाँ पे वाईफाई मैक एड्रेस भी दिया हुआ है, ब्लूटूथ एड्रेस दिया हुआ है और आपका सीरियल नंबर भी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बैटरी इंफॉर्मेशन में चलते हैं। यहाँ पे बैटरी का लेवल आपको दे रखा है कि कितने mAh की बैटरी है इसके अंदर। इसके अंदर जो है 6000 mAh की बैटरी है। और बैक चलते हैं तो यहाँ पे जो है हमें बैटरी सेटिंग के अंदर ही ये बैटरी एंड डिवाइस केयर का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर टच करना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको जो है इसकी रैम दिखा देगा। यहाँ पे ये 6GB रैम है इसके अंदर और 128 इंटरनल स्टोरेज है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये रैम और स्टोरेज तो दिखा देगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आई टी हेल्पर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।